अभिषेक म्यूट कर, निकालना। योर लाइव सर प्लीज सर। नमस्कार मित्रों, किसान भाइयों और इस किसान संगोष्ठी में पधारे सभी लोगों का मैं अभिषेक यादव सुमितोमो केमिकल परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले भी हमारी कार्यक्रम की जो बेला है वो हम पहले भी आप लोगों से जुड़ते रहे हैं और इस कार्यक्रम की इस बेला में आज एक हम नए रूप में, नए रंग में आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। नया रूप और नया रंग में इसलिए कहूंगा कि आज हम पेडी पे, धान पे हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ नए हमारे मेहमान हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरा आप सब लोगों को यही निवेदन है कि कोरोना के इस स्थिति में जहां तक बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। अभी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपके पास भी तक पहुंच के आपको सेवाएं देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज धान पे हम लोगों की संगोष्ठी है, चर्चा है, धान के कीट, धान के हम लोग क्या बेसल डोज देते हैं, धान का पुटाव या धान के खरपतवार नाशक जैसे उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुमितोमो परिवार की इस पैनल से, इस मेहमानों से आपका परिचय करा दूं ताकि आप लोग चर्चा करें तो उस पर हम लोग जो है आगे बातें कर पाएं। हमारे साथ सबसे पहले हैं हमारे नेशनल सेल्स मैनेजर हेमंत सेलार सर। सर हेमंत सर, हम आपका इस संगोष्ठी में हमारी तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं सर। उसके बाद हमारे साथ जो हैं वो चंबल के एरिया से, चंबल के पानी से पधारे हमारे डॉक्टर सौरभ भटनागर, जो कि शिवपुरी से, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और इस लगभग चंबल का पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट, जो 8 जिले जो यहाँ पे अपना सुमितोमो में सेवारत कार्यरत हैं, वो सौरभ भटनागर जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ उनको। थैंक यू सर, थैंक यू किसान मित्रों। इसके बाद हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही नॉलेज वाले हमारे मित्र, हमारे भाई डॉक्टर नरेंद्र पंचेश्वर जी, जो कि बालाघाट, जो कि धान का मुख्य गढ़ है, कटोरा है, मैं वहाँ से हमारे पुराने साथी जो नरेंद्र पंचेश्वर जी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ नरेंद्र जी का भी मैं। थैंक यू सर, नमस्कार किसान भाई। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को, जिसका महत्वपूर्ण रोल है, जिससे आपको और हमको दोनों को कनेक्ट करने का जो माध्यम है, हमारे साथ में हमारी आईटी की हेड, इस कार्यक्रम को सारा अरेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद मैं देता हूं गरिमा पांडे मैडम को, जो इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए आपको हमसे जोड़ने के लिए किया। तो गरिमा मैडम का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इस कार्यक्रम से संबंधित आप इस कार्यक्रम को पूरा सुने, अंत तक सुने, छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा है, हम आपका 40 मिनट से ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि सबको काम है, 30 से 40 मिनट, लेकिन हम मुख्य मुख्य चीजें 30 से 40 मिनट में यहाँ पे आपको कवर करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा प्रोग्राम को एंड तक देखें और जितने भी हमारे मित्र, किसान भाई, दोस्त, सब लोग यहाँ पे हैं, विक्रेता बंधु, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए ताकि हम समय समय पर आपको अच्छी जानकारी दें। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बेल आइकॉन की घंटी दी होगी वो घंटी को बजा दें। अभी हम आगे आपको प्रोग्राम जो है स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, उससे मैं स्टार्ट जो करूंगा वो हमारे बालाघाट के जो मेहमान हैं, हमारे पैनल के जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उनसे मैं स्टार्ट करूंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, आपके चैट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम या तो तभी जवाब दे देंगे या कुछ बच गया तो भी हम बाद में आप तक या हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप तक पहुंच के उस समस्या का हल करेंगे और कोशिश हम लोग करेंगे कि आपकी समस्या का अच्छी तरीके से संपूर्ण हम समाधान दे पाए। तो नरेंद्र जी अब आपसे जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र जी आइए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में आप अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर जी।
किसान भाइयों नमस्कार। मैं नरेंद्र पंचेश्वर बालाघाट टेरिटरी से मैं आपके सामने पिछले 5 वर्षों से सुमितोमो में जो मैंने सेवा दिया किसानों को, वो अनुभव आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की मुख्य फसल धान है और धान में जो समस्या आती है, खासकर हम आज चर्चा करेंगे धान के ऊपर लग होने वाले खरपतवार, कीट और रोगों की जानकारी और उनके ऊपर हम नियंत्रण कैसे करें। इस संबंध में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो आप ध्यान से सुनेंगे और इस बीच में अगर आपको कुछ प्रश्न करना है वो चैट बॉक्स में आप करेंगे, उसका हम सेटिस्फाई आपको सारा जवाब हम लोग लास्ट में देंगे। तो सुमितोमो केमिकल्स जैसा कि लगभग ऑल ओवर इंडिया में सभी किसानों के बीच में परिचित नाम है और सुमितोमो केमिकल्स जो है जापान की टॉप 1 कंपनी है। टेक्निकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में टेक्निकल के मामले में सुमितोमो जापान की टॉप 1 कंपनी है जो हमारे देश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी साबित हो रही है। तो हम आज आपके सामने धान के ऊपर जो खरपतवार उगाते हैं उसके नियंत्रण के उपायों के बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। तो सुमितोमो का सुमी गोल्ड जैसा कि ये आप डिब्बा देख रहे हैं, है ना, ये सुमी गोल्ड जो है सुमितोमो केमिकल्स जापान ने पिछले 2 साल पहले हमारे इंडिया में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसका टेक्निकली आप जानते हैं बिस्पायरिक सोडियम साल्ट। तो बिस्पायरिक सोडियम जो है वो ऑलरेडी अपने देश में इसके पहले भी बहुत सारी कंपनियों ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। तो बाकी बिस्पायरिबेक और सुमितोमो जापान का सुमी गोल्ड ऐसा क्या है कि हम सुमी गोल्ड सारे बिस्पायरिबेक से बेहतर साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट में बिस्पायरिबेक 2 टाइप के बिस्पायरिबेक मार्केट में आपको मिलेंगे किसान भाइयों, एक चाइना टेक्निकल वाला बिस्पायरिबेक और एक जापानीज बेस में आप देखेंगे कि जापानीज बेस मार्केट में जो कंपनी लॉन्च कर देती है वो पिछले कई वर्षों से काफ़ी महंगे दामों में किसानों को वो मिल रहा है ना, और चाइना टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं चाइना टेक्नोलॉजी में जो बिस्पायरिबेक है वो उनका बहुत अच्छा नियंत्रण आपके धान के खरपतवारों से नहीं मिल पाता। रही बात जापानीज टेक्निकल वाले बिस्पायरिबेक, उनके नियंत्रण बहुत अच्छे हैं परंतु वो मार्केट में बहुत महंगे दामों में किसानों के बीच में मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सुमितोमो का सुमी गोल्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर का डिब्बा है। बाकी बिस्पायरिबेक आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो जनरली ब्लैक कलर काले रंग के डिब्बे में पाया जाता है। ये हमारा सुमितोमो जो केमिकल्स है उन्होंने ये लाल डिब्बा क्यों लॉन्च किया, ताकि यह मार्केट में हटके दिखे, आप लोग इसको आसानी से पहचान सके, ताकि ब्लैक कलर के डिब्बे के चक्कर में आप जापानीज टेक्नोलॉजी के चक्कर में आप चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले बिस्पायरिबेक ना खरीदें। इसलिए सुमितोमो केमिकल्स जापान ने क्या किया, इसका जो डिब्बे का जो है मतलब तो कलर ही चेंज कर दिया है, या सुमी गोल्ड जो है मतलब या बिस्पायरिबेक जापान बेस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और यह किसानों के बीच में बाकी अन्य बिस्पायरिबेक की तुलना में, बाकी अन्य जापानी सोर्स वाले जितने भी बिस्पायरिबेक है उनकी तुलना में हमारा जो सुमी गोल्ड है जापान बेस्ड कंपनी का सुमितोमो का यह बहुत सस्ते दामों में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पिछले 2 सालों से सुमी गोल्ड जो है मतलब यह बहुत सस्ते दामों में आपके जो माध्यम रिटेलरों के माध्यम से आपको बहुत कम रेट में आपको सुमी गोल्ड मिल जाएगा। अब सुमी गोल्ड धान में जो खरपतवार उगाते हैं उसमें हम लोग खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें, इसका यूज कैसे करें, इसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को डिटेल्स में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो खेती होती है ना, धान के जो एरिया है अपने मध्य प्रदेश में, है ना, 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे धान की अच्छी खेती होती है। तो धान की खेती 2 टाइप की होती है, एक होती है रोपा पद्धति और एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको लोकल लैंग्वेज में बुआर वाली खेती बोलते हैं। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है कि डायरेक्ट बीज मतलब पूरे खेत में छिड़क दिया जाता है, और रोपों में क्या होता है कि कुछ पार्ट में मतलब उसके जो बीज है वो बोते हैं और उसके बाद रोपा जब आ जाता है 20 से 25 दिन का उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोपों में उगने वाले खरपतवार है, जनरली क्या होता है जैसे बीज अंकुरण होता है उसके साथ साथ में खरपतवार के बीज उगाते हैं, वह किसानों के लिए
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उन ऐसे खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए सुमी गोल्ड बहुत ही अच्छा एक मॉलिक्यूल है। तो सुमी गोल्ड का आपको यूज कैसे करना है, सुमी गोल्ड के प्रयोग करने के पहले कुछ सावधानी आपको बता दूं कि एक तो पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी होना चाहिए। अगर नमी कम है खेत में तो आपके जो सुमी गोल्ड है या मैं एनी हाउ कोई भी कंपनी के बिस्पायर भी आप डालते हैं तो उसमें उससे अच्छे रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सुमी गोल्ड यूज जब करेंगे आप तो सबसे पहले सावधानी आपको क्या रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको उपयोग कब करना है, जब खरपतवार के जो पत्ते हैं, जो खरपतवार उगने के बाद जो पत्तियां होती है 2 से 4 पत्ती की अवस्था, जो 2 से 4 पत्ती की अवस्था होती है उस स्थिति में आपको सुमी गोल्ड का इस्तेमाल करना है। उसके पहले भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा बाद में भी नहीं करना है, क्योंकि जब बड़े आपके विष हो जाते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो कम होता है। तो सही टाइम क्या है, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में। तीसरी अवस्था, तीसरी सावधानी क्या रखना है, जब भी आप सुमी गोल्ड का स्प्रे करेंगे अगर खेत में अगर पानी भरा है तो खेत का पानी आप पूरा बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक दिन पहले जाके आप क्या करेंगे, 12 घंटे पहले खेत का पानी पूरा बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में अगले दिन आप सुमी गोल्ड का स्प्रे करेंगे। ये हो गई सावधानियां। उसके बाद में क्या करना है, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा का जो रहता है पर लीटर पानी में 1 ml, जैसे सामान्य पंप आपके एरिया में, हमारे एरिया में क्या होते हैं किसानों के बीच में 15-15 लीटर के जनरली सामान्य टैंक होते हैं, तो 15 लीटर के टैंक में आपको 15 ml सुमी गोल्ड डालना है। अब सुमी गोल्ड कैसे, 15 ml पहले इसको अच्छी तरह हिलाना है। जब भी आप खेत में जाएंगे अपने खेत में पंप में दवाई डालने के पहले सुमी गोल्ड को डिब्बे को अच्छे से शेक करना है। अच्छी तरह हिलाने के बाद जो निश्चित मात्रा है, जैसे मैंने बताया 1 लीटर पानी 1 ml, तो 15 लीटर का टैंक अगर आया आपका तो 15 लीटर पानी के लिए आपको 15 ml क्वांटिटी लेके साफ पानी में पहले 1 लीटर पानी में घोलना है, उसके बाद में आपके टैंक में साफ पानी भरना है ना। एक सावधानी जो बताया दोस्तों, भी आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में जो पानी हो, आपने जो टैंक में पानी ले रहे हैं वो पानी भी आपका साफ होना चाहिए, इसमें धूल मिट्टी मिला हुआ पानी नहीं होना चाहिए। तो साफ पानी टैंक में भरेंगे, उसके बाद में जो सुमी गोल्ड की निश्चित मात्रा है उसको 15 ml लेके एक डब्बे में पहले घोलेंगे, उसके बाद में उसको टैंक में डालेंगे। अब चौथी सावधानी रखना है कि जब भी स्प्रे करेंगे फ्लैटली या कट नोजल का इस्तेमाल करेंगे, उससे नियंत्रण अच्छे से मिलता है और प्रॉपर दवाइयाँ सारे विष के ऊपर अच्छे से कवर हो जाती है। ये भी एक सावधानी आपको रखना है। अब बात आती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग या डायरेक्ट सोइंग वाले जो खेत होते हैं, तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है कि पूरे खेत में जैसी 15 दिन लगभग होती है अपनी फसल, 15 दिन में धान भी अच्छा आ जाता है, लगभग लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर धान की हाइट आ जाती है, उसी बीच में खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में उग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 ml सुमी गोल्ड की मात्रा डायरेक्ट सोइंग वाले जो खेत है उसमें आपको 15 ml सिस्टम पंप के हिसाब से, और इस टाइप से आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मतलब जो रोपा लग चुका होता है, रोपा लगने के बाद फिर 15 दिन तक फिर नए कचरे उगाते हैं जो कॉलेज खेत में, तो ये सारे जो विधि मतलब सारे डायरेक्ट सोइंग वाला खेत हो चाहे ट्रांसप्लांटेड राइस हो, सब में इसकी बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इन सारे खेतों में आप लोग विष को कंट्रोल करने के लिए सुमीटोमो का जापानीज टेक्नोलॉजी वाला बिस्पायरिबेक सुमी गोल्ड आप 15 ml पर पंप के हिसाब से इस्तेमाल आप करेंगे और विष को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि अकेला बिस्पायरिबेक बहुत सारे विष को कंट्रोल तो करता है, अलग 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 टाइप के विष होते हैं खेतों में, बहुत सारे विष होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्रासी लीड होती है खास प्रजाति खरपतवार, अगर 2 से 4 पत्ती के अवस्था से ऊपर आ जाए, मतलब 5, 7, 8, 10 पत्ती के अवस्था आ जाए, किसी कारण उस किसान क्या होता है कि डालने में लेट हो जाता है या मौसम कई बार उसके नहीं होता, तो विष की जो संख्या होती है और उसकी हाइट या उसकी जो एज होती है बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको अगर ग्रासी लीड आपके खेत में ज़्यादा है तो सुमी गोल्ड के साथ में आपको फिनाक्सो जो टेक्निकल मार्केट में वो आपको मिलाना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति क्या होती है, कुछ खेतों में ग्रासी लीफ तो कम रहते हैं पर ब्राडी लीफ तो थोड़ी पत्ती वाले प्रजाति जो होती है जैसे केनिया जो बोलते हैं, अगर ऐसी स्थिति आपके खेत में है या कुछ मोथा प्रजाति के कचरे ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में आपको
सुमी गोल्ड का तो इस्तेमाल करना ही करना है, साथ में 2,4-D या फिर क्लोरिन यूरान प्लस नेचुरल फ्लोरान जो डिब्बी आती है 8 ग्राम की, वो भी आप इसके साथ में प्लस करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि सुमी गोल्ड सारे प्रकार कचरों को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवाई है, और यह पिछले 2 साल पहले जब सुमिटोमो ने इंडिया में लॉन्च किया था तो इन 2 सालों में सुमी गोल्ड इतनी सराहना हुई किसानों के बीच में और यहाँ तक कि रिटेलर लोगों के बीच में कि सुमी गोल्ड डालने वाले किसान उन लोगों के दुकान पे आके बोले कि साहब ये सुमी गोल्ड तो बहुत अच्छी दवाई है और बहुत कम रेट में आप लोग हमको उपलब्ध करवा रहे हैं। यह 2 सालों से किसानों के बीच में एक बहुत ही अच्छा ब्रांड उभर कर आ रहा है जो कि मार्केट में और भी अन्य बिस्पायरी बेग है उसको पीछे कर रहा है। यह सुमिटोमो का जो पिंक कलर का जो लाल डब्बा है इसको आप लोग अच्छे से देख लें, इसमें सुमिटोमो का एक लोगो होता है ना, लाल कलर का एक लोगो होता है, ये सुमिटोमो की पहचान है। और सुमी गोल्ड के फ्रंट पेज पे फ्रंट डब्बे के सामने आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान जी का एक फोटो बना हुआ है। ये सुमिटोमो के बिस्पायरी बैग सुमी गोल्ड की पहचान है, पिंक कलर का लाल डिब्बा। इस कलर का आपको डिब्बा मार्केट में किसी कंपनी का नहीं मिलेगा, वो जनरली काले कलर के डिब्बे आपको बहुत सारी कंपनी के मिलेंगे, उसमें चाइना टेक्नोलॉजी हो सकती है, जापान टेक्नोलॉजी हो सकती है। यह एक पहचान है सुमी गोल्ड की, आप देखो अच्छी पहचान है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ कि हम सुमी गोल्ड या सुमी गोल्ड के साथ में फिनाक्सा हो गया, 2,4-D हो गया, या क्लोरिमुरान या मेटल फुरान हम लोग सब डालते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जो होता है खरपतवार तो आपके कंट्रोल होते हैं, परंतु हमारी जो मेन फसल होती है धान, उसको झटका झटका मतलब तो गांव की भाषा में झटका लगना, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन इफेक्ट आना, मतलब हमारी जो मेन फसल होती है थोड़ी सी बैठ जाती है या थोड़ी पीली होती है, तो उसकी वजह सुमी गोल्ड नहीं है। सुमी गोल्ड से किसी प्रकार का पौधे के ऊपर आपकी धान के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आता, वो आता है हम लोग जो उसके साथ फिनॉक्सा मिलवा देते हैं या फिर 2,4-D मिलवा देते हैं या फिर मेट सल्फरान की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में फसल पड़ने लगती है। हालांकि नर्सरी जो होती है, नर्सरी में तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नर्सरी जो होती है नर्सरी बहुत सॉफ्ट होती है, तो नर्सरी में सिंगल सुमी गोल्ड के अलावा आपको अन्य जो खरपतवार नाशक है आपको बिल्कुल नहीं मिलाना है। आपको अन्य जो खरपतवार नाशक है या तो आप ट्रांसप्लांटेड राइस वाले खेत में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट सोइंग वाले खेत में आप अन्य वीडिसाइड सुमी गोल्ड के साथ मिला सकते हैं, पर नर्सरी में सिंगल सुमी गोल्ड के अलावा आपको कोई भी वीडिसाइड आपको नहीं मिलाना है। तो मैं बात कर रहा था जब ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि हम लोग पायरेट डाल रहे हैं साथ में 2,4-D भी डाल रहे हैं या फिनॉक्सा भी डाल रहे हैं या क्लोरोम्यूरान भी, कंडीशन आती है जब विश्व बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के जो विश्व आते हैं, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आप लोग ये सब मिलवाते हैं तो पौधे के ऊपर झटका जो बोलते हैं हमारी जो फसल की धान की कुछ बैठी बैठी सी कुछ पीली पीली सी दिखाई देती है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुमिटोमो जापान का बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक 100% शुद्ध ऑर्गेनिक एक संपूर्ण पोषक तत्वों से भरी एक होजी और होजी अल्ट्रा है ना, सुमिटोमो के 2 ब्रांड आते हैं होजी और होजी अल्ट्रा, दोनों के अंदर एक ही चीज। तो होजी आप सुमी गोल्ड जिस टैंक में आप सुमी गोल्ड डाल रहे हैं उसी टैंक में 40-50 ml होजी अल्ट्रा आप डालेंगे, तो होजी अल्ट्रा डालने से क्या होगा कि आप देख रहे हैं सुमिटोमो का जो होजी है इसमें कंटेंट साइड में लिखे रहते हैं, इसमें जिंक सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सीवीड, एमिनो एसिड, ये सारे कंटेंट, सारे ऑर्गेनिक बेस वाले कंटेंट इस होजी टॉनिक में मिले हुए हैं। तो ये क्या करता है होजी, क्या करता है होजी के जो फायदे हैं आप देखेंगे कि आप लोग जो बिस्पायरी बैग या अन्य जो वीडिसाइड आप ला रहे हैं उसका जो टॉक्सिन इफेक्ट आता है उस टॉक्सिन इफेक्ट से बचाने के लिए होजी फसल को बहुत सपोर्ट करता है। तो या इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वीडिसाइड के साथ में जब आप होजी अल्ट्रा या होजी का स्प्रे करते हैं तो फसल हमारी हरी भरी रहती है और वीड्स अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपने मार्केट में या किसी के अन्य अन्य कंपनी वाले ये चीज आपको बताएंगे कि बिस्पायरी बैग या किसी भी वीडिसाइड के साथ में कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलाते, परंतु यह प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी कुछ मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे
जो रिलेशंस के लोग हैं वो सारे फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम लोग तुम्ही तोमू का फुजी अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ तो हम लोग इसको हमेशा कभी भी कोई भी फसल में जब यूजीसाइड हम इस्तेमाल करते हैं और हम लोग हमारे किसानों से जो करवाते हैं तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आता। यूजीसाइड अपना काम करता है, फुजी अल्ट्रा अपने फायदे फसल के ऊपर दिखाई देती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप जब भी तुम्ही गोल्ड या अन्य वीडिसाइड यूज करेंगे तो सुमीटोमो जापान का ये फुजी ऑर्गेनिक टॉनिक आप अवश्य मिलाएं पर पंप 40 से 50 मिली के हिसाब से। किसान बंधुओं, ये तो हो गई खरपतवार कंट्रोल करने और उसको न्यूट्रिएंट्स देने की बात। कई बार क्या होता है इसी बीच में जब 15 से 20 दिन की अपनी फसल होती है धान की, उसी बीच में क्या होता है उसमें कीड़े और फफूंद भी अटैक करते हैं, है ना। उसी बीच में खेतों में कीड़े पनपने की अवस्थाएं आती है, उसी बीच में फफूंद जन बीमारियां भी आती है। उनसे बचाव के लिए जब आप खरपतवार नाशक का उपयोग करेंगे उसी बीच में सुमीटोमो का ये जाना पहचाना जापानी टेक्नोलॉजी वाला डेनिटाल एकमात्र सुमीटोमो के पास है। फेन प्रो प्राचीन 10% इसी जो मात्र सुमीटोमो केमिकल जापान के ही पास है। यह डेनिटाल नाम का कीटनाशक आप उसी टैंक में 40 से 50 ml पर पंप आप जब मिलाएंगे तो उस बीच में क्या होगा कि आपके वीट्स जो है मतलब है ना तुम्ही गोल्ड आपके वीट्स को कंट्रोल करेगा, ओजी एक नोटिस आपको देगा और डेनिटाल क्या करेगा जैसे आप स्प्रे करेंगे आपके खेत में प्राइमरी स्टेज में जो कीड़े पनप रहे हैं अंडे देने का काम कर रहे हैं है ना उसी बीच में कीड़े पनपने की अवस्था आती है, उसी बीच में जमीन में भी बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उन सारे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए डेनिटाल 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। प्रति पंप 40 से 50 ml आप डेनिटाल भी उसी टैंक में आप मिलाएंगे तो आपके खेत में पनपने वाले सारे कीड़े चाहे वो पंख वाले कीड़े हो चाहे वो जमीनी कीड़े हो चाहे इल्ली अवस्था हो चाहे कुछ अपर हो जिसको लोकल लैंग्वेज में इल्ली फिफली फाफा एक गांव की भाषा में बोला जाता है, मैं आपकी भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे प्रकार के कीड़े और जमीन में रहने वाले कीड़े जो हमारी धान की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो सारे कीड़े इस डेनिटाल से कंट्रोल हो जाते हैं। मैं आगे बात करूँगा फसल में लगने वाले फफूंदजन्य बीमारियों के लिए। उसी बीच में क्या होता है हमारे धान की फसल में पीलापन आना है ना, धान की जड़ें सड़ना, फंगस पैदा होना, पौधों का कलर पीला होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है सारी समस्याएं क्या होती है ये फफूंद और जीवाणु वाली बीमारी की वजह से हमारे पौधों में समस्या आती है। तो ये आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर के डिब्बा, ये भी आप लोग शायद परिचित हैं इससे, सुमीटोमो कंपनी का वलीडा एकमात्र ऐसी कंपनी सुमीटोमो जिसका वलीडा जो है 100% ऑर्गेनिक बेस तरीके से बना हुआ है और सिलिकॉन बेस है। सिलिकॉन बेस जैसे कि मार्केट में आप लोग सिलिकॉन बेस चिपको लेते हैं तो आपको कभी भी टैंक में सिलिकॉन बेस चिपको डालने की जरूरत नहीं है अगर आप साथ में टैंक में वलीडा सुमीटोमो का वलीडा आप उपयोग करते हैं। तो इसका डोज भी 40 से 50 ml पर पंप आप उसी टैंक में आप उपयोग कर सकते हैं जिस टैंक में आप वीसाइड डाल रहे हैं। तो 40 से 50 ml जब वलीडामाइसिन भी उसी टैंक में डल जाएगा तो उस बीच में जो फंसने वाले स्टार्टिंग में जो फफूंद हैं और बैक्टीरियल जो जीवाणु वाले जो रोग हैं आगे पनपने से रुक जाएंगे और आपकी खेत की फसल हरी भरी रहेगी। तो किसान भाइयों ये 4 चीज़ें आप लोग उसी टैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस टैंक में आप तुमी गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या अदर कंपनियों के कोई वीडिसाइड 2,4-D क्लोरोम्यूरान या फिनोक्सिड डाल रहे हैं उसमें आप सुमीटोमो का फुजी अल्ट्रा टॉनिक कीटनाशक में डेनिटाल और फफूंद जनित बीमारियों को रोकने के लिए वलीडा भी आप मिला सकते हैं। भाइयों वलीडा आदर्श कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध है वलीडामाइसिन और सुमीटोमो का ही वलीडा क्यों, सुमीटोमो का वलीडा इसलिए क्योंकि वलीडा तो ऐसा मार्केट में आपको दूसरा वलीडामाइसिन नहीं मिलेगा जो सुमीटोमो जापान ने लॉन्च करी है। ये हुआ किसान भाइयों अपनी धान की फसल में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण हम कैसे करें,
उस पर लगने वाले कीट और रोग को कैसे कंट्रोल करें और साथ साथ में अपनी फसल को न्यूट्रिएंट्स कैसे दें, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कैसे दें, उसके लिए हमने बताया आपको सुमिटोमो का ऑर्गेनिक बेस फोलिक अल्ट्रा। अब किसान भाइयों मैं आगे चलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि धान की फसल में रासायनिक खाद जो डल रही है ना, ये भविष्य के लिए बहुत ही बर्बादी है किसानों के लिए। तो इस संबंध में मेरे अगले जो मतलब मित्र हैं सौरभ भटनागर जी, जिनको बहुत ही अच्छा ज्ञान है, वो आपको बताएंगे। पर उसके पहले मैं 2 मिनट में एक और फफूंद नाशक जो प्राय सभी किसान इस डिब्बे से परिचित हैं, है ना, ये मुखोटे वाला जो आरू, आरू क्या है, जापान बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसमें टेबू को नजार और साथ में सल्फर बेस फफूंद नाशक, टेबू को नजार सिस्टमेटिक फफूंद नाशक और साथ में सल्फर। आपको पता है किसान भाइयों, सल्फर पौधों के लिए बहुत ही अति आवश्यक एक तत्व है, जो एनपीके के बाद सल्फर चौथा एक तत्व है जो फसल को बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग मार्केट में 3 किलो के सल्फर जो WDG फॉर्म है, तो 3 किलो का बैग प्रति एकड़ आप डालते हैं खाद के साथ में, तो आपका ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी आपका बचेगा। वो 3 किलो सल्फर ना डालते हुए आप सुमिटोमो का हारू, ये आधा किलो का डिब्बा है, ये जो 500 ग्राम का डिब्बा है, ये 500 ग्राम का डिब्बा 1 एकड़ धान की फसल के लिए 3 किलो सल्फर जो आप WDG ले आते हैं बैग में भर भर के, वो 3 किलो सल्फर न डालते हुए मात्र आधा किलो हारू आप अपनी फसल में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 किलो किसी पड़ोस के किसान ने 3 किलो सल्फर डाला है और आपने मात्र आधा किलो हारू अपने खेत में पहली यूरिया या पहली खाद के साथ में आप देते हैं, तो वो 3 किलो सल्फर जिस किसान ने डाला है उससे ज्यादा फायदेमंद आपको ये आधा किलो हारू में आपको अपनी फसल में उसके प्रभाव दिए, क्योंकि हारू में जो सल्फर है वह शुद्ध घुलनशील 101% घुलनशील इसमें सल्फर मिला हुआ है, जो कि मिट्टी में जाती ही मिट्टी में घुल के पौधों के माध्यम से पूरे जड़ के माध्यम से पूरे पौधों को मिल जाता है। तो यह एकमात्र ऐसा फफूंद नाशक है टेबू को नजर विद सल्फर जो कि 100% सॉल्युबल है, या टेक्निकल वाले मार्केट में आपको अन्य फफूंद नाशक भी आपको मिल जाएंगे, परंतु हारू जैसा कोई नहीं, क्योंकि हारू में है शुद्ध सल्फर जो कि 100% घुलनशील है और पौधा इसको पूरी तरह ले लेता है। और क्योंकि इसमें टेबू कोनाजॉल है, तो टेबू कोनाजॉल एक सिस्टमेटिक अंतर प्रवाही फफूंद नाशक है जो कि जड़ों के माध्यम से पत्ती के माध्यम से जड़ों के माध्यम से दोनों तरीके से, अगर मिट्टी में आप देंगे सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूरिया पहली खाद के साथ में, तो जड़ इसके ऑब्जर्व कर लेता है, जड़ में जितने फंगस रहेंगे मिट्टी में जितने फफूंद होंगे वो सारे फंगस वही कंट्रोल हो जाएंगे, तो भविष्य में आपके खेत में फफूंद आने की संभावनाएं कम रहती है। मैंने देखा है पिछले 4 सालों से जिस किसान ने हारू का इस्तेमाल किया, हमारे किसान भाई बोलते हैं कि हमने जिस खेत में हारू डाला वहाँ पे फफूंद जनित बीमारी नहीं लगी, और अन्य खेत में जहाँ पे हमने हारू इस्तेमाल नहीं किया था वहाँ पे उनको बाद में काफी समस्याएं आई, जड़ गलन की समस्याएं आई, सिट्राइट बहुत ज्यादा है उनके खेत में, ब्लास्ट बहुत आया, पीलेपन की समस्या आई, और जिन किसान भाइयों ने हारू इस्तेमाल किया था उन खेतों में फंगस और फफूंद की समस्या बहुत कम आई, ना के बराबर आई, उनको बाद में स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। किसान भाइयों जैसे हारू को मैंने बताया, यह सॉइल में मतलब मिट्टी में छिट्टे में भी जाता है और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, तो यह एक में वो ऐसा फफूंद नाशक है जिसका उपयोग आप टैंक में स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं और मिट्टी में यूरिया खाद के साथ या कोई भी आप जो खाद डाल रहे हैं उसमें मिला के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब यूरिया के साथ आप कोटिंग करते हैं, यूरिया में एक लीचिंग लास की समस्या आती है, आप जितना यूरिया डालते हैं पूरा खड़ा उसको ले नहीं पाता, बहुत सारा नीचे चला जाता है जड़ से कुछ वास्कुलस होकर वायुमंडल में चला जाता है। हारू से अगर आप कोटिंग करेंगे तो आपका जो यूरिया है की बचत होगी, कम यूरिया में भी आपको अच्छा फायदा दिखाई देगा, क्योंकि लीचिंग लास नहीं होगा, वास्कुलस नहीं होगा, इन सब चीजों से हारू आपकी बचत करेगा। 3 किलो सल्फर के बराबर आधा किलो हारू आपका काम करेगा, और हारू के इस्तेमाल करने से इस्तेमाल आप स्प्रे के
माध्यम से भी कर सकते हैं और यूरिया के साथ मिला के भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक ही वादारी के बारे में अब ये जानकारी देने के बाद मैं हमारे विशेषज्ञ सौरभ भटनागर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो आपको और भी अन्य जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों। धन्यवाद नरेंद्र पंचेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे मैं सौरभ को बोलूंगा कि सौरभ आगे अपना जो सेशन है उसको आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भटनागर और अभी मैं सिमटू में ग्वालियर चंबल संभाग देखता हूँ। जैसा कि नरेंद्र जी की अपन बातें सुन रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, कीट की समस्याओं के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है, अपना बीमारियों से संबंधित जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने जीवन काल में जो भोजन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही तरीके से भोजन दिया जाए और सही टाइम पे दिया जाए तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अपन एक उदाहरण ही ले लेते हैं अपने ऊपर। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति सुबह 10 या 11 बजे भोजन करता है तो उसके शरीर पे उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। वैसे ही ऐसी ही अपनी फसल होती है। फसल में भी ऐसी सिस्टम होता है कि भाई जो एक सही समय और सही तरीका है, अगर उस तरीके से अपन चलते हैं तो उससे हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो नरेंद्र जी ने जो बताया समस्याएं, उसके बाद होता है मेन उद्देश्य फसल में जो उसका भोजन है उससे संबंधित। तो मैं आपको बताऊंगा सुमिटुमु का एक उत्पाद है लाटू, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि पैडी लाइफ साइकिल में देखें तो जो धान का पौधा होता है उसके जीवन काल में चार चक्र आते हैं। पहला चक्र होता है नर्सरी, दूसरा होता है नर्सरी में जब अपन पौध खेत में डालते हैं और उससे पौध तैयार होती है अपनी 20-25 दिन में, जो इस समय किसान कर रहे हैं जून जुलाई में। दूसरा फेज जो आता है, जो दूसरा चरण आता है, वो होता है ट्रांसप्लांट, जब पौधे को नर्सरी से उखाड़ के अपन खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध को लगाते हैं, पंजीरी को लगाते हैं। चौथा, तीसरा जो चरण होता है वो अगस्त सितंबर में आता है, जिसमें पौधा फुटान करता है, जिसके लिए हम खाद देते हैं और जो समस्याएं आती हैं कीट से संबंधित उनको कंट्रोल करते हैं। और जो चौथा चरण होता है वो ग्रेन मतलब जो अपनी गहोट आती है, ग्रेन फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि अपन अभी देख रहे हैं कि अपनी नर्सरी फार्मर लगा रहा है और नर्सरी के बाद जब वो 20 या 25 दिन की हो जाएगी तब उसको वो ट्रांसप्लांट करेगा। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आएगी भोजन की। तो जो फार्मर अपना फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करेगा इसमें, तो उसमें उसको चाहिए कि सही मात्रा में फर्टिलाइजर और सही भोज्य तत्व उसको दे, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास हो। जैसे कि मैं कई बार फील्ड पे जाता हूँ, कई बार देखता हूँ किसान बोलता है कि सर हमारी धान ग्रोथ नहीं ले रही, उसमें फुटान नहीं हो रही है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, सही उसको भोजन ना देना, सही फर्टिलाइजर ना देना। तो सुमिटुमो लेके आइए एक अच्छा उत्पाद लाटू। इसके अंदर जो धान है उसकी फसल से संबंधित सारे पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। अपन लाटू की बात करें तो लाटू एक तरीके से देखा जाए तो धान का पूर्ण 100% पोषक तत्व इसके अंदर है। लाटू की अपन बात करें डिटेल में तो इसके अंदर लाटू की अपन बात करते हैं तो लाटू के अंदर जो तत्व है मैं उस पर चर्चा करता हूं आपसे। सबसे पहले इसमें ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड इसमें 38% है। ह्यूमिक एसिड का मेन काम जो होता है, जो अपन गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं जिससे जो जैविक तत्व पैदा होते हैं, ऑर्गेनिक तत्व पैदा होते हैं, उससे संबंधित ये कार्य करता है। दूसरा जो तत्व है वो है सी वीड एक्सट्रैक्ट, मतलब समुद्री घास। मैं थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ उसके बारे में। समुद्री घास विदेश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर कुछ समय लंबे समय के लिए धूप निकलती है, दिन निकलता है, कुछ समय के लिए एकदम अंधेरा रहता है। तो वहां पर एक पौधा होता है समुद्री घास, जब धूप निकलती है तो वो पौधा अपने भोजन के लिए सारे तत्व ग्रहण करता है, जैसे कि ऊंट इकट्ठा पानी पी लिया करता है। तो उस घास को कंपनी उस स्रोत को लेकर और उसके एक्सट्रैक्ट से ये सीड बीड एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। वो उसके अंदर पौधे के जो जीवन चक्र में जो जरूरत आवश्यकताएं होती हैं जो अपन दे नहीं पाते हैं वो सारे तत्व होते हैं। तो लाटू के अंदर ये 26% है। तीसरा जो तत्व है वो विटामिन सी है। विटामिन सी, जैसा कि अपन अभी बात करें हाल फिलहाल कोरोना काल में
अपन ने बोला कि भाई विटामिन सी लो, मल्टी विटामिन लो, ऐसे ही जो पौधे का जीवन चक्र होता है उसको विटामिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ग्रैमनी कुल की फसल के लिए जो धान हुआ, गेहूं हुआ, एक ग्रैमनी कुल की फसलें हैं, और इन्होंने इनमें दाने को बनने के लिए और बाली का साइज बनने के लिए विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जापानी तकनीक द्वारा इसमें विटामिन सी, बी और ई डाला गया है, जिसका परसेंटेज 19% है। अमीनो एसिड, पौधे के जीवन चक्र में अमीनो एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, ये 10% इसके अंदर डाला गया है। एमबायोनोसुटोल, ये एक ऐसा तत्व है जो आपने खेत में यूरिया, डीएपी, पोटास दिया है। तो कई बार क्या होता है, अपन देखते हैं कि जैसे डीएपी अपना अपन बोलते हैं कि अपन ने खेत में डाला है, लेकिन पौधा उसको 25-30% यूज कर पाता है, बाकी जमीन में पड़ा रहता है। तो ये जो एमबायो है, ये तत्व क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइजर है उसको पौधे को तोड़ के दे देता है। तो पौधा पूरी आपकी खाद का यूज करता है और अपना पूरा विकास करता है। छठा जो तत्व है, माइक्रोबायल फर्मेंटेशन। माइक्रोबायल फर्मेंटेशन जैसे कि हमने कई बार देखा है महाराष्ट्र या बड़े बड़े फार्मरों के जो वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई ऐसे तत्व लेके आते हैं, वेजिटेबल हुआ, कई चीजें ले, उनको फर्मेंटेस्ट करते हैं और उनका जो अर्क होता है उसको निकालते हैं और उससे फिर या तो ड्रिप में देते हैं या स्प्रे करते हैं। तो ये तत्व भी जापानी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस लाटू के अंदर मिलाया गया है। इसलिए अगर कोई फार्मर बोलता है कि भाई लाटू क्यों डालें, तो आज की तारीख में जो मेरी जानकारी, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से अगर ग्रेन्यूअल फर्टिलाइजर में देखा जाए तो लाटू के मुकाबले अभी कोई मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इतनी अच्छी क्वालिटी और 100% दे रहा है। तो लाटू का हमें यूज करना है। लाटू के फायदे क्या होंगे, जब अपन लाटू का यूज करेंगे तो इसमें जो तत्व है 100%, उससे पौधे की जो जड़ें हैं उनका लंबाई लेंथ बढ़ेगी, लंबाई लेंथ बढ़ेगी तो जमीन में गहरी जाएगी और फैलेगी। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं, पौधा उनको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से यूज कर लेगा। सपोज आज मेरा एक हाथ है, इसकी हाइट 2 फुट है, तो मैं 2 फुट दूर की सामान उठा सकता हूँ। ऐसे ही पौधों की जो जड़ें जब ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो जो दूर उसके दराज जो भोजन पड़ा हुआ है वो उसको पूरा खींच लेगा। दूसरा, जड़ों के साथ साथ ये जो सब रूट होती हैं, जिनको अपन कभी कभी बोलते हैं सफेद सफेद रूट दिख रही है, जो बारीक जड़ें होती हैं, जो मोटी जड़ें होती हैं, वो तो पौधे को स्टैंड करके रखती हैं, लेकिन जो बारीक जड़ें होती हैं वही जो अपना फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है जमीन में उसको तोड़ के देती है। तो लाटू जब यूज करते हैं तो छोटी जो सफेद जड़ें होती हैं, बारीक जड़ें होती हैं, उनका सबसे ज्यादा निर्माण होता है, इससे पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है और उत्पादन उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ज्यादा कंसे के बारे में बोलेंगे अपन तो आपने सीधे शब्दों में बोले तो ये भूटान से संबंधित है। नंबर ऑफ ब्रांच, अपन धान में जब किसान के पास जाते हैं बोले सर कंसे ज्यादा नहीं फूट रहे हैं, फुटान ज्यादा नहीं हो रही है, कारण वो ही होता है, पौधे को जब संपूर्ण भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से अपना पूर्ण विकास करेगा। जब लाटू जिस खेत में डाला होता है उसके पौधे की जो ब्रांचें होती हैं, कंसे होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में फूटते हैं। जब कंसे ज्यादा फूटते हैं तो हर कंसे में बाली आती है तो सीधा उत्पादन पे वो असर डालता है। तीसरा, ज्यादा लंबी बालियां, स्वाभाविक सी बात है, जो मैंने आपको पहले बताया, जब भोजन अच्छा मिलेगा, जब किसी व्यक्ति को भोजन अच्छा मिलेगा तो हाइट कटकाठी ज्यादा अच्छी होगी तो वो वर्किंग अच्छी करेगा। वैसे ही फसल है अपनी धान की, जब उसको संपूर्ण भोजन मिलता है तो उसका बाली का साइज बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है, और जब बाली का साइज ज्यादा बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें बाली में दाने ज्यादा आएंगे। तो लाटू के ये फायदे हैं। लाटू का मेन उद्देश्य जो बताया गया, मैंने पहली लाइन में बताया कि लंबी जो गहरी जड़ें होती हैं और सब रूट होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वो करता है, अमीनो एसिड की मात्रा को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इट हैज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स, वैज्ञानिक या साइंस का कहना है कि लाटू जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर 100% वो पोषक तत्व है जो पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए और उसे बेस्ट उत्पादन देने के लिए होने चाहिए। तो ये लाटू का पूरा है। लाटू की अगर अपन मात्रा का बताएं तो लाटू की जो मात्रा होती है वो 4 किलो पर एकड़ होती है, और जो आप पहला बेसल डोज डालेंगे फर्टिलाइजर यूरिया उसके साथ अपन को लाटू का यूज करना है, क्योंकि वैज्ञानिक और साइंस कहता है कि जो पौधा अपना डेवलप होता है 20-25 दिन से लेके और वो 50 दिन की जो उसकी होती है उम्र होती है उसमें ही उसका सबसे ज्यादा विकास होता है, और अगर अपन ने उस समय उसको सही भोजन दे दिया तो स्वाभाविक सा है कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। तो आप लोग लाटू का इस्तेमाल करिएगा, और जिन फार्मरों ने किया है बिल्कुल वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है कम से कम आप कुछ स्थान पर उसको करिए, कुछ जगह में करिए, आप खुद जानेंगे। और ये कहना सही नहीं होगा कि लाटू एक जापानी कंपनी का प्रोडक्ट है,
तो क्वालिटी का तो आप बिल्कुल ट्रस्टेड है कि आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और मेरा जो अनुभव है, मेरी जो नॉलेज है, उस हिसाब से अभी तक मार्केट में इस क्वालिटी का ग्रेन्यूल मुझे अभी तक नहीं प्रेजेंट मिला है। दूसरा, जब फर्स्ट ये लाटू के आप कुछ रिजल्ट देख सकते हैं फील्ड के, लाटू ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड, ये नीचे आप देख सकते हैं लाटू का, उसका कलर, उसका फुटान अलग दिख रहा है आपको, जहां पर यूज नहीं हुआ है वो अलग दिख रहा है। कुछ हमने प्लांट स्टार्टिंग में उखाड़ के जमीन पर उसको फोटो खींचा है पेपर के ऊपर, आप देख सकते हैं जड़ों का विकास और फुटान का, तो जहां पर यूज नहीं हुआ है तो ये है। तो मेरा कहना यही है कि बहुत कुछ मायने फर्टिगेशन और सही यूजेस मायने रखते हैं, तो अपन को धान के अच्छे उत्पादन के लिए लाटू का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक प्रोडक्ट और है मैं जिस पे चर्चा करूंगा, जब फार्मर पहला बेसल डोज डालता है तो उसके सामने दो तीन चैलेंज होते हैं। एक तो उसको पौधे का विकास करना होता है और उसकी जो ब्रांचिंग फुटान से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो उसमें वो अपना यूरिया फर्टिलाइजर साथ में ये लाटू का यूज करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय आती है जो 20 से 30 दिन का गैप अंतर होता है, जो समय होता है फसल का, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है आपका स्टेम बोरर, इसको किसान भाई अपनी देसी भाषा में तना छेदक बोलते हैं, वो समस्या आती है। तो उसके लिए सुमितोमो कंपनी का सुमिताज कारटॉप 4G आता है। यहाँ पर आपको जो फोटो में दिख रहा है ये 50 SP है, जो स्प्रे के लिए यूज होता है, यही 4G ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है। अब भाई किसान भाई बोलेंगे कि हम कारटॉप बहुत सारे यूज करते हैं, इसका यूज क्यों करें, तो मैं आपको बता दूं कि कारटॉप की जो जनक है, जो कारटॉप की जिसने खोज की है, वो सुमितोमो कंपनी ही है। और सुमितोमो अपने टेक्निकल को मार्केट की काफी कंपनियों को देता है जो मार्केट में लेके आते हैं। तो अगर आप जो जनक है जिसने खोज की है, अगर आप उसके साथ जाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा, मैं इसके कारटॉप की एक खासियत और बता दूं आपको कि आप मार्केट में बहुत सारे कारटॉप लेंगे, जब उसको फार्मर यूज करता है तो उसका हाथ हरा कलर का हो जाता है, वो पूरी दवाई हाथ में चिपक जाती है, उसने जो बैग लिया होता है, झूला या बर्तन लिया होता है, उसमें पूरा टेक्निकल चिपक जाता है। लेकिन सुमितोमो ने सुमिताज को इस तरीके से बनाया है कि उसका जो दाना होता है कारटॉप का 4G का, सुमिताज 4G का, वो कलर नहीं छोड़ता है, वो पूरा पूरा टेक्निकल जमीन में जाता है और अच्छे रिजल्ट देता है। और ये जो सुमिताज जो कारटॉप है, इसके रिजल्ट भी आपको अन्य प्रोडक्टों की अपेक्षा ज्यादा लंबे दिखाई देंगे। और अगर अपन टेक्निकली बात करें तो ये कॉन्टैक्ट, सिस्टमक और स्टोमच तीनों तरीके से कार्य करता है। और आप जमीन से संबंधित जो कीड़े होंगे और जो तने से संबंधित इसके जो कीड़े होंगे, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो जो पहला बेसल डोज फार्मर यूज करता है, तो यूरिया अपना सुमिताज 4G यूज कर सकता है। तीसरी, मैं सबसे बड़ी बात आपको एक और बताना चाहूंगा, मैं फील्ड पे जाता हूँ, बहुत सारे किसानों की गलती में देखता हूँ कि फार्मर जो DAP SSP यूज कर रहे हैं उसके साथ वो जिंक का यूज करते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा सा इसमें चेंज लाइए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब जिंक 33% या मोनो को अपन DAP के साथ मिलाते हैं तो वो फट जाता है। तो आपका जो DAP इतना जो महंगा आ रहा है अभी मार्केट में 1700-1800 रुपए का रेट का, वो पूरा वेस्ट हो जाता है और आपका जिंक भी पूरा खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा आगे की टेक्नोलॉजी को देखते हुए आप चिलेटेड जिंक का यूज करिएगा, तो आपका पैसा भी बचेगा और उसका सही यूज भी होगा आपके पौधे में। कारटॉप जो है उसका डोज पर एकड़ का 7.5 किलो पर केजी का डोज होता है, अपन को इस्तेमाल करना है। एक प्रोडक्ट और नरेंद्र जी ने बताया था, डेनिटॉल। अक्सर किसानों के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे खेत में लाल केंचुआ बहुत हो गया, लाल केंचुआ बहुत हो गया, इसको वायर वैज्ञानिक भाषा में वायर वॉर्म बोलते हैं। और आज की तारीख में सुमितोमो का सिंगल एक प्रोडक्ट डेनिटॉल इसका 100% रिजल्ट देता है, और बिल्कुल 30 मिनट के अंदर, और इसके रिजल्ट एक्सीलेंट हैं। और जो वायर वॉर्म में अधिकतर देखा गया है मार्केट में जो उत्पाद आते हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल होता है तो 6-7 दिन के रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये लंबा रिजल्ट देता है और किसान की जो परेशानी आती है वायर वॉर्म कैचिंग की, उसको पूरा जड़ से खत्म कर देता है, उसको कंट्रोल में कर देता है।
आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक सर? नहीं हो गया आपका पूरा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और सर। आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे दें। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां तक भेज देंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का, सभी विक्रेता बंधुओं का, जिसने भी संगोष्ठी के लिए हमें समय दिया, मैं सुमितुमो केमिकल इंडिया लिमिटेड परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें, आप आपका परिवार अच्छे से रहे और हम आगे फिर इसी तरह किसी और कड़ी में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।